बहुत ही बेहतरीन जिन जिन प्रतिभागियों ने आज अलग अलग इवेंट्स में जो जीत का सिरमौर अपनी झोली में डाला है, वो आज मंच के सामने से बाय बाय करता हुआ गुजरते जा रहे हैं। और मंच पे जितने भी आज के हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय और जितने भी विशिष्ट अतिथि खड़े हैं, सबको टाटा बाय बाय कर रहे हैं। अगली साल फिर इसी मंच पे इस नए रूप में आपसे मुखातिब होंगे और खेल जगत में इसी तरह से ये कारवां चलता रहेगा। घर से निकला था मंजिल की तलाश में, लोग ढूंढते गए और कारवां बनता गया। रोमा मिस्र यूनान सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनकी ये गुलशिता हमारा, ये गुलशिता हमारा। सभी बालक और बालिका, पुरुष एवं महिला वर्ग ठीक मंच के सामने से आज के इस समापन समारोह में जीत का सिरमौर अपनी झोली में लिए हुए सबको बाय बाय करते हुए गुजर रहे हैं। एक नया उत्साह और एक नया उमंग के साथ में ये उनको अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं कि वो आगे जाकर के राज्य स्तर पे सायला का नाम रोशन करेगा। ऐसा मैं इन खेल प्रतिभागियों से जो प्रथम आई है और जिला स्तर पे खेलेगी उनको अग्रिम ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। खेल के क्षेत्र में क्योंकि अपना स्थान राजस्थान का पहले से अब ठीक हुआ है, पहले वो आठवें दसवें स्थान पे हुआ करता था, आज वो चौथे स्थान पे राजस्थान की रैंकिंग है। ये राज्य सरकार एवं सरकारों की इस योजनाओं से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं जो छिपी हुई है उनको इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म देकर के प्रोत्साहन करने में आगे धीरे धीरे और अपना स्थान आगे अच्छा करेगी। किसी जमाने में भारत के राष्ट्रीय खेलों में, भारत का राष्ट्रीय खेल आप सभी पढ़े लिखे हैं, जानकार है और खेल प्रेमी हैं तो जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और हॉकी का जो इतिहास रहा है, हॉकी को 1925 में मान्यता देकर के आज तक के जो ओलंपिक हुए हैं उसमें 12 के करीब उन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। और जो पूर्व के जो चार ओलंपिक थे, चार चार साल में जो ओलंपिक होते थे, कंटिन्यू 5 बार भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीते। धीरे धीरे ये जो कर बहुत ही बड़ा सिंगर, बड़ा सिंगर,